हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग टंडा वाटरफॉल जा रहे हैं। टंडा वाटरफॉल आपका मिर्जापुर में है और ये मिर्जापुर का लास्ट सीरीज है। इसके पहले हम लोग विंडम फॉल, विंध्याचल और चुनार फोर्ट घूमे थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सारे स्पॉट आप एक दिन में ही कवर कर सकते हैं, वन नाइट में आप कवर कर सकते हैं, वन नाइट टू डेज रहकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। तो हमने होटल तो विंध्याचल में लिया और वहाँ से फिर सारा घूमकर अपनी फिर ट्रेन पकड़ लेंगे। अभी तो सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन आगे धीरे धीरे सड़कें थोड़ी खराब होती जाती हैं और बहुत कम लोग भी यहाँ दिखते हैं, लोग ही दिखाई नहीं देते हैं। तो कभी कभी लग रहा था कि अगर गाड़ी खराब हो गई तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। विंडम वाटरफॉल तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन टंडा वाटरफॉल की थोड़ा मेहनत करना है। ये थोड़ा अंदर है और इधर देख रहे हैं खेती के नाम पर सिर्फ सरसों की खेती होती है और यहाँ कुछ यहाँ की मिट्टी शायद उस हिसाब से नहीं है कि बाकी खेती हो पाए। सिर्फ सुंदर सुंदर सरसों के खेत दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये यूपी एमपी का बॉर्डर है जिसके वजह से यहाँ सरसों ज़्यादा होती है, तो सरसों की खेती सबसे मुख्य रूप से की जाती है। इस क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल रेयरिंग ये सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत कम होती है, जंगल क्षेत्र है और आरक्षित वन प्रदेश है, तो यहाँ देखिए लोग अपने पशुओं के साथ घूम रहे हैं। खेती यहाँ प्रतिबंधित है और यहाँ का सबसे प्रमुख जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपके एनिमल रेयरिंग है। गायों का एक बड़ा सा झुंड अपने रखवालों के साथ। टंडा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। तो टंडा वाटरफॉल आपका मिर्ज़ापुर में ही है, ये इसके पास ही और एक वाटरफॉल है, वो घूमकर आप यहाँ आ सकते हैं। मिर्ज़ापुर के पास में ही पड़ता है ये। घूमते हुए फिर हम लोग इलाहाबाद की तरफ जाएंगे। तो पहले आइए हम लोग ये टंडा वाटरफॉल घूम लेते हैं। We'll be right back.
जहाँ सिर्फ एक आदमी है जो पार्किंग और टिकट का पैसा लेता है, उसके बाद आपको खुद घूमना है। तो पानी की आवाज़ सुन सुनकर हम लोग इस फॉल को के पास जा रहे थे। ऐसे कोई गाइड या कोई रास्ता इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं था कि हम लोग जा पाएं, तो खुद से ढूंढ ढूंढ कर हम लोग तब से घूम रहे हैं और इस वाटरफॉल को खोज रहे हैं। सिर्फ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आप देख सकते हैं, जो इतना नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो वो देख सकते हैं। और इतने जंगल झाड़ हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा रास्ता किधर से जाना है। तो ये था मिर्ज़ापुर का लास्ट हमारा डेस्टिनेशन। इसके बाद मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू डेस्टिनेशन के साथ। तब के लिए गुड बाय।